सबसे पहले इस सेशन में मायरा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की चैप्टर एक संख्या पद्धति है, उस संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.2 के, वह भी पूरे एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं 1x1 करके पूरी एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज, इन सभी क्वेश्चनों का 1x1 करके सारी डिटेल्स इस चैनल पे अपलोडेड होंगी। उसका कोई चार्ज आपको नहीं देने हैं, पूरी फ्री क्लास आपको दी जाएंगे। बस इसी बेस पे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप वीडियो को शेयर करें। उससे ये फ़ायदे होंगे कि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे, उतना पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा कि हमारा वर्क डन हो रहा है, मेरी पूरी वर्क संपन्न हो रही है, तो ये सारा काम करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आपसे एक बहुत लंबी ख्वाहिशें हैं नहीं, बस यही है कि आपके लिए इतना आदमी वर्क करके पढ़ा रहा हो तो बस एक काम तो कर ही सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से कन्फर्म पूछें, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होंगी, आपकी पूरी फुल की फुल सिलेबस कराई जाएगी। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पे जो हेडिंग लिखा है, इस हेडिंग से कन्फर्म हो जा रहा है कि मेरे को पढ़ना क्या है। लिखा है क्लास नवी गणित, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, न्यू पैटर्न पे आधारित है, जो एनसीईआरटी नया पैटर्न लॉन्च किया है। जितनी चीज़ें रिमूव कर दिया है, जितनी चीज़ें हटा दिया है, हटाने के बाद जो आपके न्यू पैटर्न है, नया सिलेबस है, जो अप्लाई हुआ है 2024 के बच्चों के लिए, वहाँ से है। और वो प्रश्नावली क्या है, 1.2 पूरा फुल के फुल हम आपका कैलकुलेशन कराएंगे, कोई किसी प्रकार के डाउट नहीं आएंगे। हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ हमारे एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या कारण होगा, क्या आंसर देने हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन की एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड पढ़ा जाता है ना, तो बढ़िया कंसेप्ट आता है। एक एक वर्ड पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ने के बाद सोचो, ये नहीं कि हम स्टार्ट किया और एक ही बार एक सेंटेंस कंप्लीट करके सोचेंगे, मैथ नहीं आएगा साहब। आपको एक एक वर्ड पढ़ने हैं, एक एक वर्ड सोचने हैं, फिर आपको कैलकुलेशन करने हैं। देखिए आप लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है क्या, ये कथन सही है या गलत, मीन्स ये कथन सत्य है या असत्य। अगर इनमें से कोई भी आप विकल्प दोगे तो आपको रीजन देना पड़ेगा ना, कारण देना पड़ेगा, सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। लिखा है यहाँ क्लियरली लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फील करना जरा, पहले हम ये फील करेंगे इसमें कि जो वास्तविक संख्या ये आपको दी गई है, ये वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है, थोड़ा सा फील करेंगे हम यहां, अभी क्लियर होगा चीजें। वास्तविक संख्या तो हम जानते हैं, जो ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। इसका मतलब यह हुआ, ये आपके दिमाग में फील आ जानी चाहिए कि जो वास्तविक संख्याएं हैं ये दो तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहले का नाम होता है परिमेय संख्या, दूसरे का नाम होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के क्या बना रही है, वास्तविक संख्या।
अब ये बात कहने में फील क्या आ रहा है? ये बातों को कहने में ये फील आ रहा है कि वास्तविक संख्या में जितने परिमेय संख्या होती हैं, ये सब के सब सम्मिलित होती हैं। फील करना, मैं जो बातें बोल रहा हूं इसको सुनोगे, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ये वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या में जितनी परिमेय संख्या है वह सम्मिलित होती है और ये जितनी अपरिमेय संख्या है ये सम्मिलित होती है। मीन्स प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होता है, बट प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या नहीं होता है, या प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है, इनमें से कोई एक नहीं होता है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या यानी जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वह सब के सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगी, जितनी अपरिमेय संख्या होंगी वह सब के सब वास्तविक संख्या में क्या होंगी, आ जाएंगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल करके क्या बना रही है, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय, जितनी परिमेय संख्या वह टोटल परिमेय संख्या और जितनी अपरिमेय संख्या टोटल अपरिमेय संख्या, सब मिलके क्या बना रही है, वास्तविक संख्या। तो क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। क्वेश्चन में कह रहा है हर एक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होता है, तो लिख देंगे हाँ। इसका आंसर क्या लिख देंगे भाई, लिखेंगे हाँ। कहेगा रीजन क्या है, तो रीजन बोलोगे वास्तविक संख्याओं में प्रत्येक अपरिमेय संख्या उपस्थित होता है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या। तो रीजन में क्या दोगे, रीजन में ये दोगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में उपस्थित होता है। क्लियर हो गया, ये आप रीजन दे दोगे। क्या है क्वेश्चन में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो क्या लिख देंगे हाँ, यानी सत्य कथन है। रीजन पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में क्या होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, आ जाओ यहां दूसरे में। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट में एम का रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। चलो भाई जरा संख्या रेखा हम खींच ले, ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे हम बिंदु भी डिनोट कर लेते हैं, या बीच में क्या चीज है, बीच में है जीरो, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, इधर आ जाओ माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। क्लियर हो गया, तो भाई यहां एक दो तीन आप देख लो खुद ही लिखा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कणरी में एम के रूप का ही होता है क्या, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। लिखा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट में एम के रूप का होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का वर्गमूल होता है क्या, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब कि संख्या रेखा पे, इसके क्वेश्चन के कहने का मीनिंग ये हुआ कि संख्या रेखा पे हम जितनी संख्याएं दर्शाएंगे उन सब का वर्गमूल निकलेगा और वह सब के सब प्राकृतिक संख्या होंगे। क्या बात समझ में आया, दोबारा सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि संख्या रेखा पर हम जितने बिंदु दर्शाते हैं उन सभी बिंदुओं का वर्गमूल निकल जाता है और वह सब के सब एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या यह बात सही है या गलत है, चलो देखते हैं। यहां देखो एक का वर्गमूल है, ये एक है इसका वर्गमूल, ये दो है इसका वर्गमूल, ये तीन है इसका वर्गमूल, ये चार है इसका वर्गमूल, ये पांच है इसका वर्गमूल। ठीक है,
एक का वर्गमूल एक होता है, दो का नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, तीन का नहीं निकलेगा रूट में रहेगा, चार का वर्गमूल दो, पांच का वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट में रहेगा। इमेजिन, यहां तक तो ठीक है कि इधर संख्या रेखा पे जितने बिंदु हैं वह सब इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये सब इस फॉर्म में आ जाएंगे और इनके अंदर की जो संख्या होंगी प्राकृतिक संख्या होंगी। ये वाला जो बातें हैं वह यहां से इधर तो सारा संतुष्ट करेगा, लेकिन यहीं पे एक जीरो आ गया है और जीरो का वर्गमूल कितना होता है, जीरो। जीरो भी तो अंडर रूट एम के रूप का है, लेकिन इसका वर्गमूल जीरो निकल जा रहा है, ये भी करेक्ट है, बट ये करेक्ट नहीं है कि जीरो एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये करेक्ट नहीं है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु दर्शाए जाएंगे उन सबका वर्गमूल निकल जाएंगे और साथ ही वह प्राकृतिक संख्या होंगे। तो हम देख रहे हैं संख्या रेखा पे ये जितने इधर बिंदु दर्शाए जा रहे हैं सबका वर्गमूल निकल जा रहा है और ये प्राकृतिक संख्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या में से आ रहा है। लेकिन जो जीरो है, जीरो का वर्गमूल, जीरो भी संख्या रेखा पर ही उपस्थित है और इसका वर्गमूल भी निकल जा रहा है, लेकिन यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कई हुई सभी संख्याओं के लिए बात सत्य नहीं है। सो इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे, लिख रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे ये असत्य कथन है। साहब जी, ये जो कथन है ये असत्य कथन है, असत्य है। रीजन पूछेगा क्यों, रीजन पूछेगा क्यों, तो क्या रीजन देंगे अभी ना देखो, इसमें जितनी ऋण वाली संख्याएं हैं इनका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, संख्या रेखा पर है बट इनका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। बोलो भाई, तो इसका मतलब कि धनात्मक संख्याओं के लिए सत्य है बट ऋणात्मक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए अगर आपको आंसर लिखना ही होगा तो ऋणात्मक संख्याओं के लिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे? तो सिंपल लिखोगे भाई, जितनी भी ऋण संख्या है इनका वर्गमूल तो भाई प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जितनी है ऋण वाली संख्या होती है इनका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, जब निकलेगा ही नहीं तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होंगी? तो नहीं, तो सीधी से लिखेंगे कि ऋण संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि जितनी भी ऋण संख्या होती हैं उन सभी ऋण संख्याओं का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ये हमें रीजन में लिखना होगा। दोबारा सुनो, लिखेंगे क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है। तो आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर रीजन में देना होगा, तो क्या लिखोगे? पहला नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखोगे कथन क्या है, असत्य है। पहले जो बताया हूं यहां जीरो, यहां लिख देंगे क्योंकि शून्य का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, सिंपल आंसर। एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, बोलो क्लियर हो गया भाई? जीरो के बाद जितने भी इधर संख्या है इनका वर्गमूल है तो ये प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, लेकिन जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो, और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य। दोबारा सुन लो, कह रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो लिखेंगे हाँ। रीजन पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में उपस्थित होता है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे नहीं, यह असत्य कथन है क्योंकि जीरो संख्या रेखा का एक बिंदु है लेकिन इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो अभी देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होने के लिए, वास्तविक संख्या होने के लिए परिमेय और अपरिमेय दोनों होना चाहिए। केवल परिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या नहीं बना सकती, केवल अपरिमेय संख्या मिलके वास्तविक संख्या नहीं बना सकती, वास्तविक संख्या बनाने के लिए परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का होना आवश्यक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। क्लियर हो गया?
रीजन क्या देंगे? ये तीसरा वाला जो कथन है ये असत्य है। रीजन यहां क्या देंगे? रीजन क्या देंगे भाई? वास्तविक संख्या किससे मिलकर बना होता है? परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। बोलो क्लियर हो गया? कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल एक अपरिमेय संख्या होता है, लिखेंगे नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। क्लियर हो गया? यही रीजन है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? केवल अपरिमेय संख्या होता है। हम क्या जानते हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, और इसमें कह रहा है केवल अपरिमेय संख्या होता है, तो गलत है ना? तो वही लिख दिया है कि इसका कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? तो लिखेंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनी होती है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा, होगा तो दोनों होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए बोलेंगे कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। बोलो क्लियर? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में उपस्थित होता है, इसलिए सॉरी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, तो लिख देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह सब के सब वास्तविक संख्या में उपस्थित होती है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी में एम का रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पे एक बिंदु जीरो भी होता है, जिसका वर्गमूल जीरो होता है, और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इसका कथन क्या है? असत्य है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, इसका भी कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, केवल इनमें से कोई एक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। जैसे कह रहा जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन सभी पूर्णांकों के वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होते हैं क्या? जैसे मान लो हमारे पास ये धनात्मक पूर्णांक बहुत सारे हैं, ये देख लो, बहुत से धनात्मक पूर्णांक है, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, डॉट बहुत सारे हैं। कह रहा क्या इन सभी का वर्गमूल निकालें तो अपरिमेय संख्या ही होगा क्या? तो हम चलो निकाल के देखते हैं, हम जीरो का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? जीरो। और देख रहे हैं जीरो क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं, जीरो का बट्टे एक कर देंगे तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो पहले ही नंबर इनकी बातें गलत हो गई। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं। क्यों? तो जीरो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल जीरो, और जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अब मान लो भाई एक है, एक है, एक का वर्गमूल क्या होता है? एक। तो आप देख सकते हो एक भी क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। अब ये मान लो दो, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अंडर रूट में रहेगा, तो अब ये क्या चीज है? अपरिमेय है। वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय, और जिसका निकल जाए ये क्या चीज है? परिमेय है। ये भी क्या चीज है? एक परिमेय है। अब देखो तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तीन करणी में रहेगा, और जब करणी में रहेगा तो ये क्या चीज है? अपरिमेय है। ये चार है, चार का वर्गमूल निकालेंगे तो दो वर्गमूल निकल गया, तो ये क्या चीज है? परिमेय है। तो अब आप क्वेश्चन में देखो, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या देख रहे हो, क्या जितने धनात्मक पूर्णांक है इनका सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं, परिमेय भी होता है, और साथ में क्या होता है? अपरिमेय भी। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सब के सब अपरिमेय होते हैं, तो ये गलत बात है। तो लिख रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम आंसर में लिख देंगे नहीं। कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। तो यहां लिख लो ना, जीरो हो गया,
एक हो गया, एक के बाद आपका चार हो गया, क्योंकि है जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो। जीरो भी क्या चीज है, परिमेय संख्या है। एक है, एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। एक भी क्या है, परिमेय संख्या। ये चार है, चार का वर्गमूल क्या होता है, दो, और दो भी क्या चीज है, परिमेय संख्या। एक एग्जाम्पल पूछ रहा था, बहुत सारा हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीजें। कह रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिख देंगे नहीं। लिखा भी है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। तो देखो ये उदाहरण दे दिए हैं, ये सब के सब क्या चीज है, परिमेय है। ये लिख लेना, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। फील करना जरा। कह रहा संख्या रेखा पर आपको अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, इसको दिखाना है। तो देखो मैं कैसे आराम से इसको संख्या रेखा पे दिखाऊंगा, जरा देखोगे। ये देखो अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो दर्शाने का तरीका क्या है जरा इसको देखोगे। अंडर रूट 5 को दर्शाने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, और ये मेथड क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय इस पे लागू होता है। तो मैंने इससे पहले जो इसका बेसिक चीज बताया था उसमें आपको क्लियरिटी अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए थे। उसमें बताए थे कि एक पाइथागोरस प्रमेय लिए थे, इस पाइथागोरस प्रमेय में हमने एक समकोण त्रिभुज लिया था, उस समकोण त्रिभुज में हमने आधार 2 लिया था और ये लंब 1 लिया था। तो जब मेरे को इस कोण का मान निकालना था तो हम आराम से एक फार्मूला ये लगाए थे कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। अब आप देखो ये लंब है, लंब का मान क्या दे दिया, 1, तो 1 का वर्ग करो। ये आधार है, आधार का मान क्या दे दिया, 2, इसका वर्ग करो। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग क्या होगा, 4। 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 5। यानी हमारे पास ये कोण का जो स्क्वायर है इसका मान निकल गया है 5। अब वर्ग को जब बराबर के दूसरी तरफ हम भेजते हैं, ये वर्ग है इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो मिल जाता है अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट 5 आ गया। इसका मतलब अंडर रूट 5 होने के लिए हमें अक्ष पे कितना चलना पड़ेगा, 2, और ऊपर कितना चलना पड़ेगा, 1। अगर अक्ष पे 2 और ऊपर 1 चलेंगे तो मेरे को अंडर रूट 5 मिलेगा, और जब अंडर रूट 5 मिल जाएगा तो हम आसानी से उसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहां जरा गौर से देखोगे, ये देखो जरा, देखो नीचे 2 चलना है और ऊपर 1 चलना है। तो आराम से आप ये स्केल लो और इस स्केल को यहां रख लो, यहां पे आपको कितना चलना है, 2। पहले एक काम करो, एक लाइन ड्रा कर लो तब स्केल को लेना। एक लाइन सीधी से खींच लो और ये लाइन वाइट कलर की होनी चाहिए, ऐसे किसी भी कलर की हो खींच लो, ऐसे एक ये लाइन हो गया। ठीक है, पहले मेरे को 2 चलने हैं, आप बीच में कोई पॉइंट डिनोट कर लेना, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो डिनोट कर लेना। और मेरे को इसके बाद पहले हमें अक्ष पे इस पे 2 चलना है, तो कैसे चलोगे, इसके लाओ और 2 माप लो, यहां 0 पे रख के 2 माप लो। देखो 0 आपका यहां प्यारा सा दिख गया, 2 ये वाला, ठीक है, ये 2 दिख गया। इसके स्केल को हम हटा लेते हैं, पता चल गया ये जो ये वाला जो पॉइंट है ये वो है, इसको क्या मान लो ए, और यहां से यहां तक ये कितना मिल गया, 2। ठीक, अब ऊपर कितना चलना होता है, 1, तो कुछ नहीं करो, 1 चलना है तो 1 आप कैसे चलोगे, 1 आपको चलना ही है तो 1 दूरी आप कैसे चलोगे, जरा इस पे हम गौर कर लेते हैं। आप आराम से इस स्केल को लेके आओ और इस चाप से इस पे एक दूरी चलना है, इस पे लंबवत 90 डिग्री के कोण पे। पहले नंबर इस अक्ष पे यहां 2 है तो आप आराम से 2 चल दो, 2 चलने के बाद ऊपर 1 चलना है तो एकदम सीधा 1 चलना है आपको, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि सीधा क्या है, लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो एकदम सीधा होने के लिए यहां 90 अंश का कोण बनाना, एकदम सीधा मिलेगा, ऐसे ये लाना और यहां रख देना चादा, और चादे से नापो, देखो यहां पे ये जो पॉइंट है एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री पे है, ये वाला
ये जो पॉइंट है आपके, जो ये वाला पॉइंट निकली है, ये एक्यूरेट 90 डिग्री पे है। ये एक्यूरेट 90 डिग्री पे है। अब इसको आप हटा लो, देखो एक्यूरेट ये एकदम सीधा बन गया। अब हमको इस पे कितना लेना है भैया, एक लेना है, तो एक लेने के लिए आपको यहां पे लाना पड़ेगा और इस प्रकार से प्रकार में एक दूरी भर लो। ये पॉइंट हो गया आपका जीरो, इसको पकड़ के आप ला लो, सॉरी ये एक लाना है। इमेजिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा ये प्रकार अब दम नहीं रहा है, बट आपको ये फील करना है ये प्रकार, ये वाला आपको यहां पे लाके एक कर लेना है। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी यहां से यहां तक इसकी दूरी कितना होना चाहिए, एक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मान लो भाई दो लिए हो, तो अब मुझे इस पे एक लेना है, तो क्या करना, स्केल रख लेना और प्रकार में एक नोक जीरो पे रखना और दूसरे को किस पे ला देना, एक पे। देखो भाई एक से थोड़ा ज्यादा आया है, ये अब सिकुड़ नहीं रहा है, ये एक से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको कहाँ पे रखना है, एक पे। और रखने के बाद ये स्केल हटाओ, अब इसको उठा के यहाँ लाओ, यहाँ पे ये नोक आपका यहाँ हो गया। इसको जरा ऐसे साइड में कर लेते हैं हम, ऐसे ये पकड़ के ऐसे काट दो, कट गया। अब इनको आप हटा लो, यानी अब यहां से यहां तक का ये कितना मिल गया, एक। ये दो और ये एक है। तो अब कहेगा कोई भाई इसकी लंबाई कितनी होगी, जरा इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई क्या होगी? तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो आप कि ये आधार होती है, ये लंब होती है, ये कर्ण होती है। तो हम आराम से यहां से अगर कर्ण का मान निकालना होगा, ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये वाला लंब है, लंब के जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर, आधार के जगह पे दो है तो ये होगा दो का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एक का वर्ग करोगे एक होगा और दो का वर्ग करोगे तो क्या होगा, चार। तो ये आप देख सकते हो कर्ण इक्वल टू बर को इधर भेजोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, चार और एक मिलके क्या हो जाएगा, पांच। यानी अंडर रूट में ये क्या निकल गया, पांच। अब क्या करोगे, हमको संख्या रेखा पे इस अंडर रूट फाइव को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे हम? तो इसके लिए इस प्रकार को उठा के लेके आएंगे यहां पे और इसका नोक यहां रख लेंगे और इसके ये वाला जो पार्ट है इसको फैला के यहां करेंगे। देखो थोड़ा सा और है, ये हो गया प्रकार में ये वाला दूरी, कोण की जो दूरी है जिसकी लेंथ रूट फाइव है, इतना भर लेंगे और भरने के बाद यहां से ऐसे चाप लगा देंगे। क्लियर? आप देखो ये चाप क्या किया है, इस लाइन को, संख्या रेखा को यहां पे कट किया है ना, तो यही किसका मान है, अंडर रूट में फाइव का आंसर हो गया। बस इतनी सी काम आपको कर देने हैं, इसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने हैं। ठीक है, आंसर हो गया। ओके, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप फिर पूछ सकते हैं, चलेगा इतना। अब आप संख्या रेखा पे अंडर रूट फाइव को आसानी से दर्शा सकते हैं, इसी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं आगे। यानी आपको संख्या रेखा पे रूट फाइव को दर्शाना है, तो इस पे दो लगा लिखोगे, इस लाइन पे दो लोगे और इस लाइन पे एक ले लोगे, दो और एक का पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये रूट फाइव आ जाएगा, कड़ी में पांच। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो इसका मान फाइव आएगा। प्रकार में ये वाला दूरी भर के ये चाप लगाओगे तो इस अक्ष को यहाँ पे काटेगा और जहाँ पे काटेगा वही किसका मान होगा, अंडर रूट फाइव का। ठीक, ये खत्म। आ जाते हैं आगे। कह रहा है कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप यानी वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले आप बिंदु ओ लीजिए,
वो लेने के बाद एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी लीजिए, यानी एक एक लंबाई का रेखाखंड लेंगे, उसका नाम रखेंगे ओपी, ओपी ओपी पी पी वन, पी वन पी टू, पी टू पी थ्री, पी थ्री पी फोर, ऐसे रखना है। कह रहा है पी एन माइनस वन पी एन पर लिखा है, एक एक लंबाई लेकर ओ पी वन पी वन पी टू, अब ओ पी टू पर लंब रेखाखंड पी टू पी थ्री खींचिए, ओ पी थ्री पर लंब रेखाखंड पी थ्री पी फोर खींचिए, और इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए ओ पी एन माइनस वन पर एक एक लंबाई वाला रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड पी एन माइनस वन पी एन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु ओ पी वन पी टू पी थ्री डॉट डॉट पी एन प्राप्त कर लेंगे, और इन्हें मिलाकर अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फोर को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूं तब आएगा। यहां पर यहां आपको वर्गमूल सर्पिल की रचना करने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करना होगा। आपको यहां प्यारा सा एक नंबर लाइन खींच लोगे ऐसे, ये क्वेश्चन में कहा था सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, तो आपको यहां एक बिंदु ओ ले लेना है। लेने के बाद कह रहा है ओ लेने के बाद यहां क्वेश्चन में सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, लेने के बाद कह रहा है और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी लीजिए, यानी एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी लीजिए। तो चलो एक एक लंबाई लेंगे, यानी एक लंबाई कोई इतना बड़ा चुन लेंगे कि यह लंबाई एक है वही लेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक लंबाई का ले लेते हैं, मान लेंगे कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है एक, ये मान लेते हैं। यार तुम्हारी मर्जी, तुम प्रकार से नाप के रख लेना। हम मान लेते हैं कि जो मैं पहली बार ये लंबाई लेने जा रहा हूं, ये लंबाई यहां से यहां तक ले रहा हूं, यहां तक ये, और मैं कह रहा हूं जो ये लंबाई ली है ये कितना है एक है। तो कह रहा अब एक लंबाई लीजिए, तो इसमें जितनी भी लंबाई लेना है वह सब एक एक ही लेने हैं, यानी इसी के बराबर बराबर लंबाई सब जगह लेने हैं। तो कैसे आएगा, कैसे आएगा, तरीका है आपके पास, सारा चीजें हैं, आराम आराम से बस निकालते जाना है, बस दो चीजों की इस पे सहायता करना है आपको, बस मिलता जाएगा फटाफट। देखो क्या है, यहां यहां से आप क्या ले लीजिए, एक प्रकार ले लीजिए और एक चांदा ले लीजिए, बस यहां। ठीक, आपको लंबवत रेखाखंड खींचने के लिए, लंब खींचने के लिए प्रकार की ये चांदे की जरूरत पड़ेगी, और एक एक लंबाई काटने के लिए प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम एक लंबाई ले लिए हैं, अब पता चल गया कि यही लंबाई, देखो कहोगे सर एक से बड़ा है, भाई बड़ा हो सकता है, मुझे बोर्ड पे समझाना है तो मैं बड़ा लिया हूं, तुमको स्केल से करना है तो आराम से अपने स्केल से एक लंबाई एक एक सेंटीमीटर लंबाई ले लेना, चलेगा यार। हम थोड़ा सा बड़ा ले लिए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये एक है, और आपको बता रहा हूं कि आप अपने प्रकार में एक एक भर लेना, आप स्केल से उठाना, चाहे बड़ा वाले को एक मान लेना या छोटे को एक सेंटीमीटर लेके आप खींच सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया हूं, यहां से यहां तक एक ले लिया हूं, अब इस पे एक और लंबाई लेना, एक एक लंबाई लेना, तो एक यहां लेंगे, फिर एक ऊपर लेंगे, फिर एक उसके ऊपर, ऐसे लेते चलेंगे जैसे यहां पे किया है। यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ लिया है, इसके बाद ऊपर लिया है, तो ऐसे ही मान लो हम यहाँ पे पहले यहाँ अक्ष पर ले लेंगे एक, इसके बाद अब ऊपर लेना है, तो ऊपर एक एक लंबाई लेने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 90 अंश का कोण देख लेना है, हो गया। अब देखो 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, तो देख रहे होगे हाँ एकदम एक्यूरेट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ उठ रहा है भाई, अब 90 अंश का कोण बनाते हुए हम यहां से लाइन खींच लेंगे, एक्यूरेट 90 डिग्री बन गया। ठीक, ये साइड कर दो, क्वेश्चन में जो बोला था हम उसी पे आ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ कि बिंदु ओ लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। आ रहा है मेरी बात समझ में, एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, तो जरा समझो, एक बिंदु ओ लिए
और यहाँ से एक लंबाई का एक बिंदु P ले लिए। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब देखो, इसके बाद O लेने के बाद ये P ले लिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक एक लंबाई ओ पी वन पर लंब पी वन पी टू खींचिए, अब पी टू पी ओ पी टू पर लंब रेखाखंड पी टू पी थ्री। ऐसा अभी पढ़ोगे तो मूड डिस्टर्ब होगा, आराम से यहाँ समझ लो। हम एक बिंदु ओ लेंगे, एक एक इकाई दूरी पे एक बिंदु पी ले लेंगे, अब इस पे भी ऊपर एक ही लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रकार लेके आएंगे, ये नोक ऐसे यहाँ रख लेंगे, इसको देखो यहाँ तक सिकुड़ा लेंगे, देखो ये एक हो गया ना। आराम से अब इसको उठाना है और ये नोक यहाँ पे रख देना है और एक काटना है तो इसको उठाओ, हाँ यहाँ से ये काट दो, हटा दो, देखो ये कट गया ना। इसका मतलब कि अब कह रहा है ओ पी हो गया, तो अब यहाँ पी वन से ये क्या हो जाएगा, पी टू, पी से पी वन, यानी ये एक हो गया, ठीक है। अब कह रहा है आप इसको क्या करिए, मिला लीजिए, तो हमने इसको क्या किया, मिला लिया ऐसे। तो कोई पूछे अब ये कितना आएगा, तो सिंपल एक और एक मिलके क्या होगा, दो, बट ये दो किस में रहेगा, रूट में, यही आएगा, आसान तरीका है ये, ठीक है। लास्ट में इसको दर्शाएंगे, फिलहाल अभी रहने दो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब बोला है एक एक लेते जाने हैं, तो मान लो यहाँ पे एक लिए, फिर यहाँ पे एक लिए, तो ये वाला मिल गया। अब एक कहाँ लेंगे, अब फिर एक यहाँ से लेंगे, ये आराम से देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से, तो यहाँ से लेने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ ला के 90 अंश का कोण इस पे बनाओ, देखो ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, ये देखो आराम से ये 90 अंश का कोण बन रहा है, बन गया ना। अब कह रहा है फिर एक लंबाई, तो है एक तो ऑलरेडी नपा नपाया है, तो ये कुछ नहीं करो, ये पॉइंट यहाँ पे रख लो, इसका एक सिरा है, और इसको थोड़ा सा मूव कर लो यहाँ, और इसको ये काट दो, इसको जरा पहले इसको इरेज करो, यहाँ लाओ, इसको यहां से काटो, ये कट गया। फिर इसको अब क्या करेंगे, यहां से ऐसे मिला लेंगे, बोलो क्लियर हो गया। हम एक एक, ये भी कितना है, एक। फिर अब यहां से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक दूरी चलेंगे, आराम से देखो बस एक एक चलते जाना है। आई ओपी एक चल दिए, अब यहां से एक चले, फिर यहां से 90 अंश के कोण पे एक, फिर यहां से 90 अंश के कोण पे एक, फिर वहां से 90 अंश के कोण पे एक, एक एक चलते जाना है बस। अब आ जाओ यहां 90 अंश का कोण लेके बनाओ एक, देखो अब यहां से एक लाइन ड्रा कर लो 90 अंश के कोण पर, नब्बे अंश का बन गया। अब यहाँ से पकड़ो एकदम 90 अंश, देखो एकदम 90 डिग्री पे जा रहा है। फिर यहाँ से हटाओ और इसको लाओ, एक एक दूरी काट लो, इस नोक को यहाँ रख देना है, इसको यहाँ से लेके ये काट देने हैं, देखो हो गया। फिर ये लाइन उठाओगे यहाँ से और इसको ऐसे मिला लोगे यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना है, एक है, बोलो क्लियर है। ऐसे आपको ले लेके काटते आना। फिर मान लो अब यहाँ से एक काटना है, तो फिर यहाँ लाओ 90 डिग्री का एंगल बनाओ ऐसे घुमा के, फिर इस पॉइंट पे 90 अंश का बनाओ, ठीक है 90 अंश का।
देखो 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो पॉइंट लगा के इसको हटा देते हैं, बाद में हम ऐसे लाइन से इसको मिला लेंगे, ये वाला। एक एक लंबाई लेके काटना है, तो ये नो कॉपी यहाँ रखो, ये इसको साइड ऐसे प्रकार लो और इसको खींचो ऐसे। देखो यहाँ कटा है, अब क्या करो आप यहाँ से ऐसे मिला लो। देखो आराम से वर्गमूल, वर्गमूल सर्पिल ऐसे होता है, सॉरी ऐसे इस तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखो पहले आपका छोटा था, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ऐसे यहां तक आ जाएगा। बोलो क्लियर है? और ये सब कितना कितना लेते आ रहे हैं एक। फिर अब यहां पे खींचना है, तो वही तरीका, आराम से इसको लेके आओ और यह 90 अंश का कोण बना दो इस पॉइंट पे। 90 अंश का कोण कब बनेगा? जब ये वाला लाइन इसके ऊपर ऐसे आके ढक जाएगा, ऐसे। देखो ये लाइन एकदम इसके ऊपर हो गया ना, एकदम ऐसे ऊपर। एकदम ऊपर हो गया ना, तो आप देखो 90 अंश का कोण आपको यहाँ दिख रहा है, तो आराम से यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो, ये 90 अंश के सीधे पे ये पॉइंट, ये अब इसको हटा दो और इस लाइन को लेके आओ। अब थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, इसको ऐसे मिला दो ऐसे। अब इस पे भी एक एक लंबाई खींचना है, तो आसान तरीका लेके आओ, ये नोक यहाँ रखो, इसको यहाँ लाओ, इसको हटा दो। देखो यहाँ कट किया, ये उठाओ और यहाँ से इसको मिला दो, ये भी कितना आया एक। बोलो क्लियर है? फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सेम वही तरीका, लेके आओ यहाँ 90 डिग्री के एंगल ड्रा करो, ऐसे आप देख सकते हो यहाँ 90 अंश का कोण एकदम सीध में, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। अब इसको हटा दो और हटाने के बाद क्या करो, इस लाइन को ऐसे लाके मिला लो ऐसे। अब फिर एक लंबाई काटना है, तो ये नोक यहाँ रख दो उठा के, यहाँ ऐसे, और इसको आप फिट कर लो, इसको देखो ये कट किया है यहाँ पे। अब क्या करो, एक लाइन लो और यहाँ से इसको मिला लो, देखो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको पूरा ऐसे बना लेना है, इसी तरह से आपको बनाते जाने हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब कहोगे सर इसका मान क्या आएगा, तो देखो ये एक तो इसका मान दो आएगा, आसान तरीका, आसान सा तरीका। ये एक एक ये एक, एक है तो ये दो होगा, ये दो और एक मिल के तीन, तीन और एक मिल के चार, चार और एक मिल के यहाँ पाँच, पाँच और एक मिल के यहाँ पे छः, छः और ये एक मिलके यहाँ पे क्या होगा सात, ऐसे मिलता जाएगा। इन सभी का क्या लगा दो ऐसे वर्गमूल, बस। बोलो क्लियर हो गया? ऐसे आपको बनाते जाना। अब यहाँ 90 अंश का कोण बना के कम से कम 15 तक ऐसे आपको बना लेना है, सिमिलर कुछ भी नहीं करना है, ऐसे बनाते जाना है बस। अब यहाँ 90 अंश का कोण बनाओ और एक दूरी काट के इसको मिला दो, फिर 90 अंश का कोण बनाओ और एक दूरी प्रकार से काट के मिला दो। इस तरह से काट के मिला दोगे तो एक सर्पिल की रचना हो जाएगी, यही बस आपको इतना काम करना है। क्लियर हो गया? अब हम अपने ये वाला एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट फाइनल, पूरी तरह से फाइनल हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट होंगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। हम अपनी क्लास यहाँ पे ओवर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।